नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में 1227वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो देखिए, जो टेक्स्ट होता है वो तो छूटेगा ही, और साथ ही 11 लेटर वाले वर्ड्स भी छूट जाएंगे, और इतने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि इसी स्लाइड के जस्ट बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, कम से कम अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो तरीका जान जाइए कि आखिर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप इंग्लिश पढ़ते हैं, और क्या करना चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जो वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि वर्ड जो मीनिंग जो होता है उसे कैसे इस्तेमाल करना सीखना। देखिए करना क्या होता है, पहला है कि वर्ड याद करना। ये वर्ड इस तरह के वर्ड है जो कि आपको परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में अगर इसका इस्तेमाल एक एक वर्ड का करते हैं ना, तो बहुत ही वैल्यू आपको मिलेगा। इस बात को मान लीजिए, जैसे आप बोलिए स्टार्क, तो स्टार्क का मतलब होता है उजाड़ या पूरा, ठीक है, उजाड़ या पूरा स्टार्क। दूसरा वर्ड है दोस्तों रिपिल, रिपिल का अर्थ रद्द करना, ठीक है। कैंसल वर्ड तो हम लोग जानते ही हैं, कैंसल वर्ड जानते हैं कैंसल, लेकिन क्या रिपिल भी वर्ड जानते हैं आप? रिपिल मीन्स होता है रद्द का। नेक्स्ट है हाई हुडलू, देखिए हम लोग बोलते हैं गुंडा, गुंडा है, अफंगा है, उचक्का है, बदमाश है, इसी तरह के वर्ड बोलते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लिश में वर्ड कहाँ जानते हैं? इंग्लिश में वर्ड जानिए गुंडा का हुडलू, ठीक है, न्यू वर्ड है, एकदम न्यू वर्ड है दोस्तों। तो न्यू वर्ड को आप मिस ना करें, और इसको एक एक वर्ड इस्तेमाल कीजिए अपने बोलने के, अपने लिखने में अगर इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले दोस्तों कि याद कर लीजिए, याद कीजिए, और याद दो तरह से हो सकता है, तो रट कर सकते हैं, दूसरा जो है इस्तेमाल करके। तो इस्तेमाल करके अगर आप याद करते हैं तो लाइफ टाइम आपके ये जवान पे आने वाला, तो अपने बोल चाल की भाषा में इसे यूज़ मिलाइए। हुडलू गुंडा है, उचक्का है, लफंगा है। पैरामूर, पैरामूर का मतलब होता है किसी विवाहित पुरुष या स्त्री से, बस इतना ही, किसी विवाहित पुरुष या स्त्री, यानी विवाहित हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पैरामूर कहलाएंगे, है ना, मतलब आगे जो है अनुचित संबंध रखने वाला, ऐसा तो होता है, रखने वाली। मान लीजिए पुरुष है तो किसी स्त्री से संबंध रखेगा, अगर स्त्री है तो किसी पुरुष से, तो किसी विवाहित पुरुष से, मान लीजिए किसी आप अगर पुरुष हैं तो किसी स्त्री से अनुचित संबंध रखते हैं, रखने वाले हैं, तो आपको पैरामूर कहा जाएगा। या आप अगर स्त्री हैं, ऐसा तो होगा नहीं अभी जिस एज में, उस एज में मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है अगर किसी स्त्री से अनुचित संबंध रखते हैं तो पैरामूर कहलाएंगे। तो एक वर्ड है, एक वर्ड मीनिंग के तहत इसे आप जानकर याद रखिए कि कोई अगर इस तरह के आपको दिखता है तो आप इसी तरह का वर्ड दे सकते हैं, ही इज़ अ पैरामूर, ऐसे बोलकर निकल जाए, ही इज़ अ पैरामूर बोल सकते, ही इज़ अ पैरामूर, सी इज़ अ पैरामूर, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपको भी लगेगा और दूसरा लोग आपको समझेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है उसने। तो भाई रिफैक्ट्री, देखिए रिफैक्ट्री का मतलब होता है, रिफैक्ट्री का मतलब होता है भोजनालय। हम लोग बोलते हैं भाई रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ही बोलते हैं, रिफैक्ट्री कहाँ बोलते हैं? फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री, रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री मीन्स भोजनालय। अब भाई भोजनालय लिखा रहता है, फला भोजनालय, तो रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री। अब देखिए बायलेटरल, बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब द्विपक्षीय, क्या होगा बायलेटरल का मतलब? द्विपक्षीय। नेक्स्ट वर्ड है तो लोथ, लोथ मीन्स होता है पसंद नहीं करना, लोथ कहलाता है। अब देखिए यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मीन्स एक पक्षीय, तो एक वर्ड दो चीज़ यहाँ रखिए, तो यूनिलेटरल एक पक्षीय, बायलेटरल द्विपक्षीय, हुआ ना, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए मिस्टिक, मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यात्मकता, रहस्यात्मकता, मिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है तो एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब होता है बल देना, बल देना को कहते हैं एसेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड जो है लीनियंसी, लीनियंसी मीन्स उदारता, नरमी, उदारता, नरमी को लीनियंसी कहते हैं। तो दोस्तों ये था, अगर आप यहाँ तक याद वर्ड्स को करते हैं तो कैसे या यूज़ करना है तो मैंने बताया ही। अब चलिए जो चीज़ है दोस्तों अल्फ़ाबेट पे फोकस करते हैं। अल्फ़ाबेट में
26 लेटर होते हैं वो ऐसे तो आप जानते ही हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को अल्फाबेट बोलते हैं, लेकिन आज तक हम लोग ए बी सी डी ही कहकर काम चलाते रहते हैं। अब इसके देखिए दो पार्ट है, पहला पार्ट वॉवल कहलाता है जिसमें 5 लेटर होता है, दूसरा पार्ट जो है इसको कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें 21 लेटर होता है, दोनों मिलाकर 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर का यहाँ उच्चारण जो है हिंदी में या आप जो इंग्लिश वर्ड में क्या होता है उसको याद करना है, एबीसीडी सबको पढ़ने आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात दोस्तों जो थर्ड है 64 पार्ट्स, ठीक है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद करें, ये एक ऐसा चीज़ जिससे कि आप इंग्लिश तेज़ी से पढ़ पाएंगे। तो एक वर्ड सर्सरी नज़र से मैं इसे दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में पहले से मैंने बहुत डिस्कस कर रखा है। देखिए जो कॉन्सोनेंट है 21 है लेकिन 41 तरह से उच्चारण होंगे, तो इसको आप क्या करना है इसको याद कर लीजिए, चर्चा क्या करना सिंपल तरीके से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करेंगे तो वर्ड कैसे बनेंगे, कोई भी वर्ड पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल करके जो है पैटर्न चलता है तब एक वर्ड मीनिंग बनता है, ठीक है। चाहे कोई वर्ड्स को उठा के देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वॉवल से स्टार्ट हो जाता है कॉन्सोनेंट फिर वॉवल ऐसे करके पैटर्न चलता है तो वर्ड होता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवल जिसकी संख्या मात्र 5 है और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से, जैसे ए है ई है आई है ओ है यू है डबल ओ है। तो अब जैसे ए को अ आ ए ऐ याद कीजिए, इसे ई को क्या क्या उच्चारण करते हैं ये वाला, आई का उच्चारण यहाँ तक है ना यहाँ तक, ओ का उच्चारण ये हो गया, यू का उच्चारण ये, डबल ओ का उच्चारण जो इस तरह से यहाँ तक होता है। तो आपको क्या करना है कि उच्चारण करना सीख जाना है, अगर उच्चारण करना सीख जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, और आप जो है बहुत ही जल्दी से आप सीखेंगे इंग्लिश, हाँ बहुत जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे ही नहीं बल्कि लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि सारा जो है गड़बड़ी जो है यही करता है। जैसे अगर मिडल में ए से देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, लेकिन अलग अलग तरह से पढ़ा गया है ना, मिडल में ए को आ यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर ओ बोल रहे हैं, यहाँ पर ए बोल रहे हैं, यहाँ पर एन ए बोल रहे हैं, अगर यहाँ भी देखिए ओ ओ ओ ओ ओ है लेकिन यहाँ पर अ बोल रहे हैं सम, यहाँ पर आ यहाँ ऊ यहाँ ओ, अगर डबल ओ के बाद साथ देखते हैं तो यहाँ पर जो है अ बोलते हैं फ्लड, यहाँ पर जो है ऊ बोलते हैं और यहाँ पर जो है ओ बोलते हैं, तो अलग अलग वर्ड्स हो गए, आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ड्स किस तरह से हो रहे हैं। तो इसे पढ़िए याद कीजिए। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैं यहाँ कर दूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पार्ट के जैसे ये क्या लिखा हो सन, या मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको भी नहीं पता होगा कि ये क्या लिखा हो ये क्या लिखा हो, तो बगल में मैंने लिखा है कि भाई ये लिखा हुआ है तो ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे ये, तो इसको याद कर लीजिए। और जब याद करेंगे तो उसके बगल में ही मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीख जाएंगे भाई क्या पढ़ना है, जैसे एस यू आर ई को श्योर पढ़ना है, टी आर को ट्री पढ़ना है, ई सी को इको पढ़ना है, ई अनकॉन पढ़ना है, तो जब सीख जाएंगे तब वर्ड्स कोई भी रहेगा आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है यहाँ पर पी आर ओ प्रो एक पार्ट है, सी यू आर ई को क्योर बोलते ये भी एक पार्ट है, एम ई एन टी को मेन बोलते ये भी एक पार्ट है, तो 1 2 3 तीन पार्ट से एक वर्ड बन गया प्रोक्योरमेंट, जी हाँ दोस्तों प्रोक्योरमेंट है ना वर्ड बन गया, तो इसको भी याद कीजिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो वाकई में दोस्तों आप आगे इंग्लिश तेज़ी से नहीं पढ़ पाएंगे, समय लग जाएगा। अगर कम समय में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये काम कर लीजिए। अब देखिए जिनको नहीं उच्चारण करने आता है या और भी कुछ सीखना चाहते हैं हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं, जहाँ आपको रीडिंग राइटिंग या फिर स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, सब कुछ सीख लीजिए। स्टेप एक काम करना ये दोस्तों कि एक 40-50 रुपये की कॉपी ले लीजिए और कॉपी में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप वीडियो देखकर आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारे वीडियो पर निर्भरता आपकी कम होगी और इंग्लिश लिखना हो बोलना हो पढ़ना हो सब कुछ ग्रामर के अनुसार होने लगेंगे। डिक्शनरी के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि वर्ड्स मैं दे रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो चलिए आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे से बने रहे, क्योंकि अब जो है दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने भी आएगा वो भी मैं बता दूंगा, जैसे कि ये वर्ड क्या है 11 लेटर्स क्या है क्या लिखा हुआ,
मुझे नहीं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आउट बार्गेन्स लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ आउट बार्गेन्स है। क्यों, कैसे बोलेंगे, देखिए ओ यू टी आउट है। अब इस पूरे स्लाइड में आउट प्रीफिक्स पार्ट है और ए एन एस बोल एन है, जी क्या लगा तो गेन हो गया, एस लगा तो गेंस हो गया। तो मैं तरीका बताऊँ कैसे पढ़ने, आउट बार्गेन्स, ठीक है, आउट बीचिंग, ठीक है, आउट बीचिंग के बाद आउट ब्लीटिंग, ब्लीट, ब्लीट से ब्लीटिंग हो गया, आउट ब्लीटिंग, यहाँ पर आउट ब्लीटिंग हो गया, आउट ब्लेसिंग, यहाँ पे ब्लेसिंग कर दीजिए, आउट ब्लेसिंग, आउट ब्लेसिंग, आउट ब्लेसिंग के बाद है आउट ब्लूमिंग, ठीक है, आउट ब्लूमिंग के बाद आउट ब्लफ, ब्लफ देते हैं ना, ब्लफ, आउट ब्लफिंग, नेक्स्ट है आउट ब्लसिंग, नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों ये है आउट ब्लस्टर्स, नेक्स्ट है आउट बोस्टिंग, नेक्स्ट है आउट ब्रैगिंग, नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट ब्रॉलिंग, इधर देखिए आउट ब्रेजेंड, ब्रेजेंड, आउट ब्रेकिंग, आउट ब्रीथ, ब्रिथ और ब्रिथ, आउट ब्रीडिंग, आउट बिल्डिंग, आउट बुलिंग, आउट बस्टिंग, नेक्स्ट आउट कैपरिंग, आउट कैपरिंग, आउट कैचिंग और यह आउट कैवलिंग, आउट कैवलिंग। दोस्तों ये वर्ड्स जो है अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे साथ देखिए मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करके आप पढ़ना सीख सकेंगे। अब देखिए आउट कैवल्ड, कैवल्ड, कैवल्ड है ना, आउट चार्जिंग, आपको सब सुना हुआ अब लगेगा, आउट चार्मिंग, और जिनको आता है बोलने वो लिख कर देखेंगे कि आप स्पेलिंग लिख सकते हैं या नहीं, आउट चीटिंग, नेक्स्ट वर्ड है आउट चीटिंग के बाद आउट क्लासिंग, नेक्स्ट है आउट क्लाइंबिंग, नेक्स्ट क्लाइंबिंग के बाद आउट कोचिंग, नेक्स्ट है आउट कम्पीटेड, कम्पीटेड है ना, कम्पीटेड, आउट कम्पीट्स, आउट कम्पीट्स के बाद आउट काउंटिंग, नेक्स्ट है आउट क्राफ्टेड, क्राफ्टेड, नेक्स्ट है आउट क्राफ्टीज, नेक्स्ट आउट क्रॉलिंग, नेक्स्ट आउट क्रॉलिंग के बाद आउट क्रॉपिंग, नेक्स्ट है आउट क्रॉसिंग, नेक्स्ट आउट क्रॉडिंग, नेक्स्ट है आउट डैजलिंग, डैजलिंग, आउट डी वेटिंग, आउट, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिएगा तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे आप, आउट डिलीवर, डिलीवर, डिलीवर्स है ना, आउट डिजाइंड, आउट डिस्टेंस, आउट डूर्स मैन, नेक्स्ट वर्ड इज आउट डूर्स मेन, आउट ड्रैगिंग, आउट ड्रीमिंग, आउट ड्रेसिंग, आउट ड्रिंकिंग, आउट ड्रॉपिंग, आउट ड्यूलिंग, ड्वेल, ड्वेल है तो ड्वेलिंग हो गया, आउट ड्वेलिंग, यहाँ भी इस तरह से, आउटर कोर्स है ना, आउटर कोर्स, आउटर प्लानर, आउटर फिश, देखिए टिंग, आउटर फिस्टिंग, नेक्स्ट है आउटर फील्डर्स, आउटर फाइटिंग, नेक्स्ट है आउटर फिगरिंग, आउटर फिगरिंग, आउटर फिटिंग्स, आउटर फ्लैंकिंग, आउटर फ्लैश, उसमें इंग जुड़ गया, आउटर फ्लैशिंग, आउटर फ्लोटिंग, आउटर फ्लोविंग, आउटर फ्लोइंग है ना, फ्लोविंग्स, आउटर फ्लशिंग, आउटर फ्रोनिंग, आउटर फ्रोनिंग, आउटर फ्यूम्बलिंग। दोस्तों ये जो तरीका है आप देख रहे हैं कि इससे कैसे आपका पढ़ना इजी हो गया है, और आप अगर लगातार हमारे साथ बनेंगे तो इजी तो होगा ही ना, क्योंकि आपके लेवल में ही मैं उतरकर आपसे बात करता हूँ। इंग्लिश जब तक लोग पूरा इंडिया ना पढ़ना सीख जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी, तो सभी लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए ये टेक्स्ट जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, टेंथ क्लास का बुक है, वर्ड्स बेस्ड स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, जिनको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रहेगा उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, वो क्या करेंगे लगातार पढ़ पढ़ कर जो है पढ़ना, मतलब कि अगर नहीं आता तो भी सीख जाएंगे। तो देखिए आप क्या है कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लीजिए, फिर कॉन्सनेंट वोवेल कर लीजिए, अगर हिंदी का स्वर व्यंजन का अंग्रेजी है तो वो भी याद कीजिए, उसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं।
तो चलिए अब मैं पढ़कर दिखाता हूँ कहाँ कहाँ किस किस चीज का फॉलो करते हुए आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए बैंक्स, एक्ट, सी ए सी को एक्ट बोलते हैं, एक्ट सी ई पी टी को सेप्ट, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एंड अमाउंट्स एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ। ए के बाद ये है तो एक और चैन फिक्स, एक रुपये तो सेफ विद द ब्लैंक्स। एंड देखिए एंड इट अर्न्स, अर्न्स एंड एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, रेस्ट इंटरेस्ट, पीपल ऑल्सो हैव द पी आर ओ प्रोविजन, प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनीज, मनी एज, एज ये अलग होगा, मनी एज एंड वेन, इसमें एच का उच्चारण नहीं होता है, डब्ल्यू एच को वाले क्वेश्चन में एच का उच्चारण नहीं होता है ना, वेन, वेन एच साइलेंट होता है, वेन दे रिक्वायर, सिंस ही को सब बोलते, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक, ए सी को एक बोलते हैं, अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड, डिपॉजिट्स डिमांड, डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, इट इज दिस फैसिलिटी विच lends it the essential, essential characteristics of money, that of a medium of exchange, you would have heard, अगर C लिख देते हैं W के जगह तो सुड जाता है, सच लिख देते हैं तो सुड जाता है, तो वर्ड O U L D से बनता है ना, तीन वर्ड, you would have heard of payment, ए वाक्य ये बोलते हैं तो पे हो गया, रे मे गे ले है ना, कई तरह का रे बनता है, पे ई एन टी को एंड बोलते हैं, पेमेंट्स बींग, बींग मेड, एक बात ये है मेड बाय चेक्स, की यू को क्या बोलते हो, चेक्स इंस्टीड ऑफ कैश फॉर पेमेंट्स थ्रू, ना इसे याद कर लीजिए एक ही बार में, जैसे याद करिए थ्रू चेक। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ के आप जो है इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स।